जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिले आपको फौरी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि जर्मनी में लॉटरी सिस्टम की वजह से टाइम पर अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल होती है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी प्रॉब्लम्स। बड़े शहरों में जैसे कि बर्लिन या म्यूनिक में पहले सेमेस्टर में ही स्टूडेंट अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। आई इवन नो सम पीपल जिनको लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट अकोमोडेशन मिली। इन स्मॉल या मीडियम साइज शहरों में अकोमोडेशन मिलना फिर भी आसान होता है। बड़े शहरों में अकोमोडेशन की कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 350 यूरोस टू समवेयर अराउंड 550 यूरोस, व्हाइल इन स्मॉल या मीडियम साइज शहरों में अकोमोडेशन वेरी करेगी समवेयर अराउंड 150 यूरोस टू 350 यूरोस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। स्टूडेंट एंड वर्क नामी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑलमोस्ट हर सूबे में मिलेगी। हर सूबे की स्टूडेंट एंड वर्क डिफरेंट होती है और इनकी डिफरेंट वेबसाइट होती है। इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन इज यूजली फ्री। इसके अलावा आप डॉर्म की पिक्चर्स, यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस और एवरेज रेंट भी पता कर सकते हैं। फॉर यू गाइज आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड वर्क थ्रू आउट जर्मनी एंड देयर लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। इफ इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन ना मिले, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट अकोमोडेशन। मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किए हैं जहां पर आप प्राइवेट अकोमोडेशंस को फाइंड कर सकते हैं। प्राइवेट अकोमोडेशंस यूजली थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो सर्च करने से पहले दिमाग में जरूर रखिएगा।